कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया हैं और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे आप सभी देख रहे हैं मुझे, सो अभी बज गए हैं सुबह के 11:30 और आज सुबह मैंने ना मूंग दाल की वड़ी बनाई थी, जो कि ना मैंने धूप में बनाई है और गर्मी की वजह से मेरी बैंड बज गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस सबकी क्या प्रोसेस थी, कैसे बनाई है, वो सब इस वीडियो में आप आगे देख लेंगे। मतलब कि अभी ये नहाने के बाद का है जहाँ से मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। सो स्टार्टिंग में आप आगे देख लीजिए, मैं वीडियो ऐड कर देती हूँ कि मैंने कैसी मूंग दाल की वड़ी बनाई है, क्या क्या परेशानी आई है, वो सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना बातें किए जल्दी से वीडियो को देख लीजिए कि मैंने वड़ी कैसे बनाई है और उसके बाद करते हैं आगे की बातें। सुबह के बज रहे हैं करीब 8 और रात को मैंने ये दाल मूंग की जो है वो भिगो करके रख दी थी ओवरनाइट के, और उसके बाद मैं अभी सुबह यहाँ अच्छे से इसको धो लूँगी। जितना भी मतलब एक्स्ट्रा छिलका वगैरह है ना वो सब निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना निकल जाए उतना निकाल दीजिए। और बस उसके बाद मैं इसे पीस रही हूँ। हाँ, मैं इसको मिक्सर में ही पीस रही हूँ, मतलब काफ़ी वैसे तो सिलबट्टे पर पिसी हुई वड़ी का स्वाद थोड़ा अलग रहता है, मतलब और स्वाद के अलावा वैसे भी मतलब ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट मैं सिलबट्टे पर नहीं बना सकती क्योंकि वान्या की तानी आपको पता है आधी दाल बनेगी आधी फैलेगी, इसीलिए मैंने मिक्सर में ही पीस लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से हींग मिलाकर इसमें और अच्छे से इसको मैं चला रही हूँ और यहाँ हस्बैंड से बातें कर रही हूँ अपने, क्योंकि वो पहली बार मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने उन्हें बुला लिया था रिकॉर्डिंग के लिए। सो देखिए यहाँ पर पूरी दाल मेरी तैयार है अच्छे तरीके से। अब मैं जाऊँगी छत पर और वड़ी फैलाने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक बोरी ले ली है चावल की, जो चावल की बोरी आती है ना वो, उसको अच्छे से कट कर लिया है पूरा सा, और अब बस इस पर मेरी वड़ी आराम से फैल जाएंगी। इसको मैं एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। सो बस अब मैं रेडी हूँ छत पर जाने के लिए। देखिए मैंने एक चादर वगैरह लगा दी है ताकि धूप ना आए, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से 5 मतलब देवियाँ जैसी बना दी है, उनकी पूजा वगैरह भी कर दी है। ये आई थिंक सभी लोग करते होंगे जब भी वड़ी बनाते होंगे उससे पहले। और बस अब मैं कर रही हूँ शुरुआत वड़ी बनाने की, एक बार और दाल अच्छे से घुमा देती हूँ मतलब कि फेंट देती हूँ और उसके बाद करती हूँ शुरू बनाना। सो बस देखिए धीरे धीरे बनाती जा रही हूँ मैं। मैंने पहली बार वड़ी बनाई है एक्चुअली, पहली बार इन द सेंस के मतलब मायके में कई बार ऐसा होता है कि मम्मी सारी प्रिपरेशन कर लेती हैं, मतलब पूरा पूरी तैयारी के साथ वो जब फाइनली ऊपर पहुंच जाती हैं और जो अभी मैंने बताया ना जिस तरीके से देवियां बना करके पूजा कर लेती हैं, वो सब करने के बाद में एक आध बार ऐसा हुआ है, एक दो बार कि मैं उनकी हेल्प करने पहुँच गई हूँ और मैंने थोड़ी बहुत बनवा ली, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं था कितना पीसना है क्या पीसना है दाल है ना, तो वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी, कभी नहीं किया था, बट पहली बार यहाँ कर रही हूँ मैं। सो बट यही है कि करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, आसानी से कर सकते हैं हम बस, और अगर काम कोई मुश्किल है भी या हमें नहीं भी आता है तो भी सीख के हम कर सकते हैं, एक बार दो बार तीन बार ख़राब होगा चौथी बार तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। सो बस प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है एक इंसान को। सो ऐसे ही करते करते देखिए मेरी कितनी सारी वड़ियाँ बन गई हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट दाल आधी से भी ज़्यादा ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है और ये करीब आधा घंटा से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। सो बस अब जाकर करीब 1 घंटा लगा है मुझे कंप्लीट करने में। फिनिश हो गई है दाल, सब फिनिश हो गया है, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है ना, मैंने ये लगा लिया है बट उसके बाद भी ना बहुत ज़्यादा हीट लग रही है और बहुत गर्मी लग रही है, और हाथ देखिए। अब मैं जल्दी से धो लेती हूँ इन सबको, करीब 10 बज गए हैं सुबह के।
अभी मैं कल भी मतलब वड़ी बनाने वाली हूँ, एक और दूसरी वाली मतलब चना दाल और उसमें एक और दाल मिक्स करके बनाऊंगी। कल भी करीब 1 किलो के आसपास की बनाऊंगी। सो अगर हो सका तो वीडियो शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। और बस देखिए कितनी मेहनत भरा काम कंप्लीट हो गया है। चादर वगैरह भी सब हटा देती हूँ ताकि अच्छे से धूप लगे दिन भर और सूख जाए वड़ी शाम तक अच्छे तरीके से। अब मैं आ गई हूँ रूम में। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा फेस ऐसा हो गया है ना, अजीब सा। मैं फटाफट पानी पीती हूँ 1 गिलास, बहुत तेज़ प्यास लग रही है मुझे। वानू की आवाज़ आ रही है नीचे से, वो ऊपर आने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ उसको भी नहला दूँ और मैं खुद भी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, वान्या, ये वानू की डॉल है जो एकदम बढ़िया से मैंने तैयार कर दी थी ना प्रीवियस वीडियो में, तो बस वो रखी हुई आराम से। वानू हेलो बोल दो, यहाँ पर देखो हेलो। सो बस फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि मैंने कैसे बड़ी बनाई है। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, खाना वगैरह बनाती हूँ। 11:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं, ऑलमोस्ट बज गए हैं। सो बस जाके फटाफट से 1 आधा घंटे में काम वगैरह करके फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से किचन में। मैंने थोड़ी सी दाल बचा दी थी जो बड़ी बनाई थी ना उसकी, सो मैं यहाँ बनाऊंगी उसकी मंगोड़ियाँ। और ये बूंदी की बनाऊंगी मैं रायता। और ये सब्ज़ी बन चुकी है कंप्लीट सेम, और आलू वाली। और रोटियाँ भी मैंने बना करके रख दी हैं। अब बस मुझे केवल वो पकौड़ियाँ बनानी है, मतलब जो मंगोड़ियाँ हैं वो बनानी हैं, और मम्मी पापा के लिए खाना लगाना है। दोपहर के बज गए हैं 1:15। वैसे मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, आप सभी को पता ही है, बट आज इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मेरा कुछ नाश्ता भी नहीं हो पाया है। और अब लग रही है बहुत तेज वाली भूख, बट बस 15 मिनट और, 10-15 मिनट में ये सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद मैं करीब 1 बजे खाना खा लूँगी आराम से। सो बस मम्मी पापा को कंप्लीट करके देने के बाद यहाँ मैं अपनी ही थाली लगा रही हूँ, अपने लिए ही परोस रही हूँ खाना, और जाती हूँ रूम में। बाकी हस्बैंड को बाद में दे दूंगी, अभी तो वो मतलब करीब 1 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाएंगे। वैसे भी वो तो नाश्ता वगैरह सब कर ही लेते हैं। सो मैं अपना खाना फटाफट से फिनिश करूंगी बिकॉज मुझे लग रही है बहुत तेज वाली भूख अब। सो बस मैं ले आई हूँ अपना खाना। खाना वगैरह खाने के बाद दोपहर में थोड़ा बहुत करूंगी आराम, फिर शाम को देखती हूँ कुछ स्टिचिंग का काम अगर करूंगी, सिलाई वगैरह का तो देखती हूँ। बट इन सब के अलावा वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, लगा है तो आपको पता ही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।